की नाम है जी? मेरा नाम अमनदीप कौर। अमन, किदा देखते हो पिता जी नाल अपने मुंडे नाल मोटा ला के खेती बाड़ी का काम करा रहे हो? बहुत वधिया लगता है, क्योंकि आपका पिता पुरख ही किया है, उन्हें अगे करना चंगा लगता है, एक मतलब मन सुकून मिलता है। क्योंकि जिहड़ी सब तो वड्डी गल है कि जे बंदे च मतलब सबर होगा ना तो सब तो मतलब वधिया गल है, कि अगर जे सबर नहीं ना फिर बंदा चाहे लखा करोड़ा कमा ले बंदे सैटिस्फाई नहीं होगा। किदा शौक किदा जागया भी अपने फादर नाल तुसी खेती बाड़ी दे काम दे विच? ये मतलब छोटे होंदे ते हुंदा सी, जब मैं छोटे होंदे सी खेतों खूत बग जाते डैडी की चाह वगैरह लैके, तो उतों की पै गया जब नाल बिठा लेना फादर साहब ने, तो नाल ट्रैक्टर फड़ा देना, आप मतलब छोटे होंदे सी नाल पूरे बिठा लेना भी आ ले ट्रैक्टर फड़ ला भी तू आप चला, तो उदो मतलब ए बिंग बोल जा करके चलो फिर वड्डे होंगे गए सीखते गए हौली हौली, तो मतलब वधिया फिर कल्या ने फिर कल्ले ही चल पे भी हाँ चल कल्ले हुण कर सकदे आंगे। पहला थोड़ी बाहर जाना सी, ऑफर लैटर तक आ चुका सी? हाँ जी, मेरा जो मैं प्लस टू की थी, मैं अपना आयल्स किया, तो मेरा मतलब बैड स्कोर आया जब, तो मेरा ऑफर लैटर भी आ गया, तो प्लस मेरा मैडिकल भी हो गया सीगा। मतलब जिमें तो मेरे फादर साहब ने मैंने बह के समझाया भी नहीं भी देख ला भी जाना भी, क्योंकि इतने भी बहुत आप मेहनत करिए सब कुछ है कर सकते हैं, तो मैं एक गल लड़ बन ली कि हाँ ठीक है गा, कि एक उ गल आ गई कि सबर चाहिए, तो मैं सोचा भी इतें रह के कुछ ना कुछ मैं अपनी लाइफ के कर ला। जी कुड़ियाँ या मुंडे थोड़े फ्रेंड सर्कल से बाहर गए ने, उन्होंने कभी कहा नहीं भी ऑफर लैटर तक आ गया कैंसल क्यों किया? नहीं, वह पहले कहें भी हाँ तू भी आ जा कुछ नहीं होंगे है भी तू कह दे करे, मैं क्या नहीं भी हूँ मैं आपका मन बना लिया भी नहीं भी हूँ मैं इतें रह के कुछ ना कुछ करना गा। अगे तक की टीचर रखे? अगे वास्ते मैं कुछ नाल अपनी है ना जॉब मतलब सॉरी पढ़ाई नाल करनी हैगी, तो नाल मैं एग्रीकल्चर का मतलब कर ही रही हाँ गी, प्लस असी कि जिदा असी घर की साड़ी सब्जी होंगी हैगी मतलब नाल करते हैं। इन्ना टाइम किमें कढ़ते हो, पढ़ते भी हो, घर के काम भी करते हो, खेती भी करते हो? नहीं निकल आता जब जिमें हूँ तो छुट्टियाँ चल रही ने गियाँ, तो मतलब हो जाता गा, तो जिदा मतलब कई बार कॉलेज आना गा तो घंटा रैसट करके फिर नाल काम करते, जिमें घर के काम होंगे ने गे धारा डुकी का, तो है ना सन्नी सुन्नी का होंगे गा, जो कई बार घर दे मैं सू मतलब धारा डुकी का कर देता फिर मैं सन्नी वगैरह नाल रलवा दिनी हाँ। कभी जो पिंड सहेलियाँ होनगियाँ उन्होंने कभी कहा नहीं भी कि राह पैगी खेती कर लग गई? पहला हों पहला मैं खुद में भी मैं संग आती सी जिमें मैं ट्रैक्टर वगैरह लेके जाना या किमें भी नहीं मैनू जो उत्ते छो या मैं कपड़ा कुपड़ा मूँह बन के जानी होंगी, तो फिर हौली हौली संघ जिदा जाके जी खुलती गई तो मतलब उन्होंने भी मैं कहते हैं भी तू वधिया भी देख के मतलब खुश होंदिया ने भी चलो भी कोई कुड़ी अगे मतलब आ रही हैगी, तो भी मैं कई बार कह देने कि सू ट्रैक्टर सिखा दे जो किमें भी, तो मैं कह दिनी हाँ भी माहौल च असी चलो है ना करते फ्री देख फ्री जाने। 2016-17 की अमन तो 2022 की अमन च कि फर्क दे? बहुत फर्क आ गया, क्योंकि उदो समझ घट सी खेतीबाड़ी बारे या किदा भी, तो हूँ क्यों ज्यों ज्यों मैच्योरिटी मच्योर होंगे है उस अकॉर्डिंग मतलब समझ आती है, तो प्लस समझ एग्रीकल्चर के रिलेटिड भी कुछ भी। एक जो हम थोड़े खेतों के थोड़े वालों एक खूह भी जो बंद पिया दोबारा चलवाया गया पिता जी बैठ के कहना चाहना? क्योंकि पिछली बार ना जो साढ़े ना पानी थोड़ा जहा ज़्यादा फ्लो आ गया सी जो मीह पे ने, तो उदों काफ़ी पानी इकट्ठा होने करके ना जमीन लग जमीन साढ़े ना पानी चल गया सी, तो उत्थे ना साढ़े एक मतलब पहला इन्ना नहीं पता होंगे कि ए जरूर सुने से भी खूह हों उ, तो जो वह खूह जिते पानी उत्थे गया ना तो वह दब गया थो, तो उतों जिदा मतलब खूह अपने आप मतलब थले बैठन कारण मिट्टी, तो वह साडा जिन्ना भी पानी सी उहदे च चला गया जिन्ना साडी फसल डुबण तों भी बच रही, प्लस एवें है कि आप जिदा आप लोग खूह बंद कर देंगे वह वैसे करना बनता नहीं है, क्योंकि एक खवाजा बली का एक जिदा थौं हुंदा गा, तो एक है ना असी मतलब इन्हां दी साल छेवें कड़ाही वगैरह भी खड़ कर देंगे, तो मतलब एक उस तो बिना साडा है ना मतलब जिदा खेत पानी वगैरह का नहीं होंदा है, तो वह उस उत्थे असी अपना मतलब सब्जी वगैरह भी बीजिया ने गियाँ सारे फलों के बूटे वगैरह लाए ने गए इस बार,
ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ ਦੀ ਖੇ ਆਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਰੇਹ ਸਪਰੇਹਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਸਿਰਫ ਰੂੜੀ ਦਾ ਖਾਦ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਲੱਸੀ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦੀ ਸਪਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੇਚਦੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸਬਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ। ਮੇਰਾ ਹਰਮਲਾਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਹਰਮਲਾਪ ਜੀ, ਬੇਟੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬੇਟੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਤ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਨਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੀ ਕਲੀਅਰ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰਦ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੜ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਤੀ ਬਾਹਰੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾ ਸੇਰੀ ਇਹੀ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ, ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਮੁਕਾ ਦੇਣ, ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਵਾਕ ਬਾਹਰੇ ਭੱਜਣ? ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਗਈ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ, ਇਹਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਂ ਨਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ 18-18 ਘੰਟੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਉਰੇ ਬੰਦਾ ਨਾ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੁੱਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਘੰਟੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਲਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਬਜ਼ੀ ਭਾਜੀ ਦੀ ਲਾ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਫਰਿੱਜ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸਬਜ਼ੀ ਭਾਜੀ ਨਾਲ, ਆਪਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਭਾਜੀ ਨਾਲ, ਕਿੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਲਈਏ ਨਾਲੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸੇੜੀਏ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲਾਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਅਵਾਰਡ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਲਾਸੇਰੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਵੇ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੌਂਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੌਂਸਲਾ ਦੇ ਦੀ ਹੌਂਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਾੜ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਘਰ ਬੈਠੀ ਨੂੰ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।